मोबाइल किसका है यार, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। 5 साल तक मनी रहे, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, न्याय नहीं मिल पाया। भाई भाई हाथ होकर के हम लोगों ने विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान कर दिया है। और आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपनी मंत्रिमंडल से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, तो वहीं पर अब दारा सिंह चौहान ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 5 साल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर बिताया। और उसके बाद जब आचार संहिता लगी तब ये दोनों मिनिस्टर लगातार एक के बाद एक जो है नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो विधायक भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दिखाई दिए थे, भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा और उन विधायकों पर भी नज़र बनाए रखना होगा। जिस तरीके से विधायक भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 3 विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है, तो दारा सिंह चौहान की जो है एक अलग पैठ है। और दोनों नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवान परेशान रहा है। दोनों नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, किसान परेशान रहा है, किसानों ने आत्महत्या की है, और आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से और अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा जो है बताया है दोनों नेताओं ने। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों कैबिनेट मिनिस्टर के साथ और कौन कौन से नेता जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं। कयास ये भी लगाया जा सकता है कि कल तक एक और कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकता है, तो वहीं पर लगभग अभी एक दर्जन विधायक भी जो है भारतीय जनता पार्टी की छोड़ने की जो है तैयारी में जुटे हुए हैं। मोबाइल किसका है यार, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। 5 साल तक मनी रहे, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, न्याय नहीं मिल पाया। भाई भाई हाथ होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया जी। माना जाए कल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था, आपका भी नाम चल रहा था और तमाम तो इसी कड़ी में देखा जाए इसको। देखिए नाम तो आप लोग बहुत पहले से चला रहे थे, बहुत पहले से चला रहे थे, लेकिन आज मैंने इस्तीफा दिया। मोहर तो आज लगा दिया आपने। पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहा सर? सर पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रधानमंत्री भी आपके साथ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या मंत्री आएगा वो तो समय। तो सपा समाजवादी पार्टी में आप भी शामिल होंगे? अभी मैं पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों से, अपने समाज और समर्थकों से, जो हमारे समर्थक थे, शुभचिंतक थे, उनसे राय लेने के बाद फिर मैं अगला कदम उठाऊंगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, जहाँ पर एक तरफ सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक मंत्री नाराज हैं, आप उनसे बात करिए, उनको मनाने की कोशिश करिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी भी अपने डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, लेकिन दारा सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से थे। आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है 1 कैबिनेट मंत्री थे, तो वहीं पर दारा सिंह चौहान के जाने के बाद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कम से कम दारा सिंह चौहान के साथ भी आधा दर्जन के करीब विधायक भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अलग जो है इनके साथ जिस दल में दारा सिंह चौहान जाएंगे वहाँ जाने का काम करेंगे। फिलहाल अभी दारा सिंह चौहान ने ये साफ नहीं किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान किसके साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।